आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। कोशिका श्रवण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में कोशिकांग दिए हुए हैं और किसका कार्य क्या है बताना है हमको। तो देखिए, इसमें पूछा किसका कार्य है, कोशिका श्रवण किसका कार्य है। तो देखो, पहले नंबर पर क्या दिया है, प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें भोजन संचय होता है। और तीसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो कि रंग प्रदान करते हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये यांत्रिक आधार प्रदान कराते हैं। किसको, कोशिका को यांत्रिक आधार। दूसरा इनका क्या कार्य है, तो ये जो है कि कोशिका विभाजन जब होता है तो ये केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है गोल्जी एपरेटस। इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका श्रवण। क्या होता है, कोशिका श्रवण। अब कोशिका श्रवण क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, लिपिड व प्रोटीन को, किस किस को, लिपिड व प्रोटीन को जो है कि रासायनिक रूप से रूपांतरित कर देते हैं और जो है कोशिका के बाहर भेज देते हैं। किस किस में रूपांतरित करेंगे, लिपिड व प्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइको प्रोटीन में रूपांतरित कर देते हैं। ग्लाइको लिपिड व ग्लाइको प्रोटीन में क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं और जो है कि कोशिका के बाहर भेज देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। चौथे नंबर पर क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका, जो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। इसको हम कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री। ये जो है कि जिन कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनमें न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, बड़े पाए जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके से प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित हैं। किससे, प्रोटीन संश्लेषण से ये संबंधित होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कोशिका श्रवण। तो कोशिका श्रवण किसका कार्य है मुख्य, गोल्जी एपरेटस का। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।